साल 2017 भी संपन्न होने जा रहा है। न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में यहाँ हमारे जिला चंबा में डलहौजी एक ऐसा स्थान है जिसमें कि काफ़ी लोग जो कि पंजाब से यहाँ पे न्यू सेलिब्रेशन के लिए, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए आते हैं। मोर ओवर आजकल के दिनों में यहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ गई है और बर्फ़ पड़ने की भी संभावना काफ़ी रहती है, तो इस सिलसिले में काफ़ी सैलानियों के आने की संभावना है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस की अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिसमें कि यातायात में कोई बाधा ना आए, इसमें विशेष तौर पर हमने एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे लगा रखी है। SHO को इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सैलानियों का भरसक उनका पूरा ध्यान रखा जाए, किसी प्रकार से कोई यातायात में कोई बाधा ना आए, किसी प्रकार के साथ कोई बदसलूकी ना हो, इस प्रकार से हमने पुलिस व्यवस्था यहाँ पे अच्छी कर रखी है। इवन हमारे जो ऑन दी वे थुनोहट्टी में एक बैरियर है, वहाँ भी जो हमारे पुलिस कर्मी हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी गाड़ी बाहर से आती हैं उनको सुचारू रूप से और अच्छे से उनकी चेकिंग करें, और किसी भी प्रकार का कोई कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसके लिए अपनी चेकिंग और अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत रहें, और जो बाहर से सैलानी आ रहे हैं उसको किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। और किसी भी प्रकार से अगर उनको कोई ऐसी जहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके साथ कोई इस प्रकार का कोई दुविधा में हो या उनको कोई कठिनाई का सामना करे, तो उनकी भरसक प्रयत्न करें कि उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करें। और इस सैलानियों का जो यहाँ जमावड़ा रहेगा उनको अच्छे से सुविधा प्रदान करने की कोशिश करें और उनकी हर संभव सहायता करें, करने की हमारी पुलिस की व्यवस्था हमने इस प्रकार का बना रखा है। सर, रात को 10 बजे के बाद जो DJ बजाएगा होटल वाला, उनको की दिए निर्देश ना बजाने के? नहीं, इस प्रकार की जो के तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी के दिशा निर्देश अनुसार कि 10 बजे के बाद कोई ऐसा ही नहीं हुआ, जिन्होंने कोई विशेष परमिशन इसमें लिया होगा उन्हीं को ही अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज 10 बजे के बाद इस प्रकार की किसी को भी परमिशन नहीं दी जाएगी और ना ही कोई इस प्रकार की असुविधा लोगों के लिए वहाँ करेगा।